सरायकेला देबू दास हत्याकांड का खुलासा, हथियार के साथ दो हथियारी गिरफ्तार। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 मार्च को टीचर ट्रेनिंग मोड के पास देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबू दास हत्याकांड का पुलिस ने उद्बोधन कर दिया। मामले में पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो अपराधकर्मी देवाशीष दास और महावीर सरदार को हत्या में प्रख्युत देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देबू दास हत्याकांड का खुलासा करते हुए सरायकेला एएसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि 24 मार्च को आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टीचर्स ट्रेनिंग मोड के पास देबू दास की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी डॉली गोस्वामी के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तकनीकी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस को इस बात का पता चला कि हत्याकांड को अंजाम RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत मीरूडी के निवासी देवाशीष दास और महावीर सरदार ने दिया है। पुलिस ने अनुसंधान में यह भी पता लगाया कि कई पेशेवर अपराधियों द्वारा मिलकर देबू दास की हत्या की योजना बनाई गई थी और इस काम के लिए इन दोनों अपराधियों को चुना गया। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इसके पास से हत्या में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, एक मोबाइल फ़ोन और हत्याकांड को अंजाम देकर फरार होने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। जो भी हो रहा है बिल्कुल फेयर हो रहा है, सामने हो रहा है। अब मैंने पहले ही कहा था कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसे, लेकिन जो दोषी है वो जरूर पकड़ेंगे। अरे इसको जो पकड़ के दोषी है, जिसको पकड़ के लाए हैं सर, क्या दोषी है? पहले उनका रिकॉर्ड रहा है? हाँ, उन्होंने अपने शिकायत बयान में पूरे घटनाक्रम को बताया, कैसे कैसे उसको हथियार पैसा इकट्ठा दिया गया और जगह का चुनाव किया गया, उसको बुलाया गया 8:30 बजे और पीठ पे पीछे से गोली मारा गया। कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी रहा है सर इनका? कोई आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, एक का रहा है, देवाशीष दास का रहा है और महावीर सरदार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। हो सकता है पैसे के लालच में आके उसने हत्या की। जिस दिन घटना घटी तो दिन महावीर प्रसाद था वह? महावीर प्रसाद, महावीर सरदार, हाँ उस हत्याकांड में था। दो लोग थे, देवाशीष दास और महावीर सरदार, इन्होंने ही हत्या की थी, लेकिन किसने करवाई थी इसके बारे में ही पता चल गया है और जल्द ही हम उसको अरेस्ट करते हैं। आर्म्स तो इलीगल, आप जानते हैं। इकट्ठा एक मिनट रेडी? हाँ सर, रेडी सर। विगत 24 मार्च 2022 को आदिपुर थाना क्षेत्र के टीचर सही मोड़ पे एक व्यक्ति की हत्या हुई थी सुबह 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे। मैं भी तुरंत घटनास्थल पहुंचा था और घटनास्थल का निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। तो इस हत्याकांड का उद्भेदन हो चुका है। जो मृतक था, जिसकी हत्या हुई है, उसका नाम देबू दास था और उसका पूरा नाम देवव्रत गोस्वामी था। इसका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है, लगभग 15 कांडों में वांछित है। हत्या हुआ, लूट हुआ, फिर चुनौती के लिए अपहरण हुआ, ये भी आपराधिक छवि का व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई है। और हत्या का जो कारण है, अभी तक जो सामने चीज़ें आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ये बालू का और स्क्रैप का अवैध धंधे में संलिप्त था। हो सकता है कि उसके जो एंटी पार्टी हो, इसके व्यावसायिक प्रतिद्वंदी हो, उनके द्वारा हत्या की गई हो, क्योंकि हर हत्या कुछ मोटिव होता है, मकसद होता है। तो अभी तक ये सामने आ रही है और इस हत्याकांड में अभी तक हमने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम देवाशीष दास है, दूसरा महावीर सरदार है। ये दोनों, एक पुटका जमशेदपुर का है, दूसरा पटमदा जमशेदपुर का ही है, पूर्वी सिंहभूम जिले का। इसमें से देवाशीष दास का आपराधिक इतिहास रहा है, एक ही केस में है, चोरी का जो माल होता है उसमें, और इनको हत्या करने के लिए मोटरसाइकिल कट्टा उपलब्ध कराया गया और कुछ पैसे भी उपलब्ध कराए। तो इसका जो मुख्य साजिश करता है वो, उसकी हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था और जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी आदित्यपुर कर रहे थे। इस केस को मैं पर्सनली रोज़ मॉनिटर कर रहा हूँ। तो
हम लोग लगभग कांड का उद्भेदन हो चुका है। जो मुख्य साजिश करता है उसकी पहचान हो गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम छापामारी कर रहे हैं। आशा है कि जल्द ही उसे भी हम गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजेंगे। सर, खबर मिल रही है कि पूरे मामले में किसी सफ़ेद पोश का भी नाम है, कुछ सफ़ेद पोश नेताओं का भी नाम इसमें है, ये बात कहाँ तक सच है? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सपोर्ट ना किसी ने फ़ोन किया है ना किसी ने पूछा। जिले का कप्तान होने के नाते मैं बता दूं कि अभी तक किसी सफ़ेद पोश इस मामले में किसी ने किसी को प्रभावित कर